मॉर्निंग एवरीवन, ममता नेहरा वेलकम यू इन इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट एंड दोज। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दैट। दैट वी यूज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वन एंड फार फ्रॉम अस। दैट का यूज हम कब करते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है और एक होता है। क्या ऑब्जेक्ट हमसे दूर है? हम अपनी जगह पे खड़े होके उसको टच नहीं कर सकते, हमसे दूर है, हमें इशारा करके बताना पड़ता है दैट। तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट वन होता है और उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। सेकेंड इज दोज। वी यूज दोज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन वन एंड फार फ्रॉम अस। दोज का यूज कब करते हैं हम? जब ऑब्जेक्ट्स हमसे फार होता है, दूर होता है और हम उसको अपने स्थान पे खड़े होके टच नहीं कर सकते, उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट वन होता है और दूर होता है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट का। जब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है और हमसे दूर होता है उसके लिए हमें इशारा करके बताना पड़ता है देखो वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोज का। स्टूडेंट्स, आया समझ में? जब एक होता है, पास में होता है, तो उसके लिए तो हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन जब दूर होता है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, और जब एक से ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज। वी विल डू अ एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, लुक इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दैट और दोज। ये पिक्चर्स देखिए, इसमें हमें दैट और दोज का यूज करते हुए इन्हें फिलअप्स को कंप्लीट करना है, हमें एक्सरसाइज को करना है। सो स्टूडेंट्स, इज अ हैन, हैन हमसे दूर है, दूर है ना, और कितनी हैन है हमारी? वन है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? टी एच ए टी, दैट, दैट इज अ हैन। नेक्स्ट है हमारा आर ट्रीज। ट्रीज कहाँ पर है हमसे? लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ट्रीज हमसे फार हैं, दूर हैं, और कितने ट्रीज हैं? मोर देन वन है ना, एक से ज़्यादा है ना, वन टू थ्री। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे टी एच ओ एस ई, दोज। दोज आर ट्रीज। इज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन कितने हैं? वन है ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम बताइए? गुड, दैट, टी एच ए टी, दैट, बिकॉज ऑब्जेक्ट वन है हमारा। आर काइट्स, हाउ मैनी काइट्स आर देयर? ओके, दोज आर थ्री काइट्स। तो काइट्स के लिए क्या यूज करेंगे हम? दोज। क्या यूज करेंगे काइट्स के लिए? दोज। इज अ कब, कब की पिक्चर कितनी है? देखिए वन है ना और हमसे दूर है, इसके लिए वी विल यूज टी एच ई टी, दैट। हाउ मैनी डक्स आर देयर, कितने डक्स हैं यहाँ पे? वन टू थ्री, दीज आर मोर देन वन। और हमसे पास होती तो हम दीज का यूज करते, अब हमसे दूर हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे टी एच ओ एस ई, दोज। इज अ लायन, लायन कहाँ है? हमसे दूर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? वन भी है, टी एच ए टी, दैट। आर पप्स, पप्स कितने हैं? टू हैं, मोर देन वन है, इनके लिए क्या यूज करेंगे हम? दोज, बिकॉज दोज आर मोर देन वन एंड फार फ्रॉम अस। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उनके लिए हम दैट का यूज नहीं करेंगे, जो हमसे दूर हैं उनके लिए हम दैट का यूज करेंगे। अगर एक है तो उसके लिए दैट का यूज होगा, अगर मोर देन वन है तो उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।